खबर रायबरेली से। सीएचसी के भ्रष्ट डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत करना पत्रकारों को भारी पड़ गया। डॉक्टर्स ने न पत्रकारों के साथ मारपीट की बल्कि कमरे में बंद दबाकर जान से मारने की कोशिश की। वहीं मोबाइल और पर्स भी छीन लिया गया। इस पत्रकारों ने प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाई। सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने पत्रकारों को बंधक से मुक्त कराया। दरअसल बीते दिनों सलोन परिसर में सरकारी दबंग सरकारी दवाओं को जलाए जाने का वीडियो मीडिया पर वायरल के भ्रष्ट डॉक्टरों ने नकार और कहा कि यह वीडियो मेरे परिसर का है ही नहीं। जब पत्रकार ने परिसर में जलाई गई दवाओं की लाइव वीडियो और फोटो निकाली तो सीएससी भ्रष्टाचार की जांच उच्च स्तरीय टीम से की मांग की गई है। कवरेज पत्रकारों के साथ डॉक्टरों ने मांग की है। इसके साथ ही उन्हें कम बंधक भी बनाया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि पत्रकारों का गला दबा करके उन्हें जान से की गई। तो पूरा मामला जो है सीएससी में जलाए गए जो दवाएं थी उनसे जुड़ा हुआ, जिसका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद सीएससी के डॉक्टरों की ओर से कहा गया कि ये वीडियो उनके अस्पताल परिसर का नहीं है। जिसके बाद मौके पर पहुंचे पत्रकार ने जलाई गई थी उसका वीडियो और फुटेज दिखाया, जिसके बाद डॉक्टरों ने पत्रकारों के साथ में मारपीट भी की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। तो पूरे मामले की जो जांच है अब उच्च स्तरीय कराने की मांग की जा रही है पत्रकारों की ओर से। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भारी संख्या में पुलिस जो अस्पताल के अंदर मौजूद है और अस्पताल परिसर में हंगामा गया। और इससे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीप चंद्र मिश्रा लाइन पर जुड़ गए हैं। दीप चंद्र जी, क्या पूरा मामला है? किस तरह से पत्रकारों के साथ मारपीट की गई और उनसे मारने की धमकी दी गई है, पूरा मामला क्या है? क्या दवा जलाना और इसकी खबर को दिखाना इतना भारी पत्र जी? मैं बता चाहूँ कि लगभग एक सप्ताह पहले कुछ पत्रकारों ने अस्पताल में दवाइयां जलाई गई थी उसकी जो है उसके बाद बुधवार को यानी कल बुधवार को एक प्रधान के ऊपर जानलेवा हमला होता है। कवरेज करने कुछ पत्रकार वहां पहुंचते हैं और पत्रकार वही होते हैं जिन्होंने खबर चलाई थी। तो लोग नाराज थे, खफा थे कि उन्होंने कहा भी था पत्रकारों से कि जो है हमारी खबर चलाई है, तमाम धमकियां दी थी। उसके बाद वो पत्रकार जब पहुंचते हैं तो डॉक्टर और उनके गुर्गे पहले हाथ लगा के बैठे और जैसे ही पत्रकार पहुंचते हैं और पूरी मामला संज्ञान लेते हैं घटना का कि हमला कैसे हुआ, तो वो लोग तुरंत जो है हाथापाई पर उतर आते हैं और उसके बाद पत्रकारों को जो है शुरू कर देते हैं और उसके बाद बंधक बना लेते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल अपना